हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने 95 प्लस सीरीज लेकर के आ गए आपके साथ नेक्स्ट वीडियो को और पढ़ाएंगे आज गुडविल। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको गुडविल जो आपका चैप्टर है अकाउंट्स में वॉल्यूम वन में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। गुडविल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं, नॉट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलते हैं भाई अपने वीडियो की साइड पे और स्टार्ट करते हैं अपना गुडविल चैप्टर। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम गुडविल। गुडविल क्या होती है पहले तो ये, किसी भी पर्सन को आप किससे जानते हैं, उसकी रेपुटेशन से ना, है ना। अगर कोई भी पर्सन बहुत फेमस है तो मीन्स क्या है कि उसने ऐसे वर्क किए होंगे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए इतना ज्यादा। ठीक है, बस वो रेपुटेशन होती है। वो रेपुटेशन को किस तरीके से अर्न किया जाता है ये हमारा बिजनेस हमको बताता है। ठीक है, ये जो रेपुटेशन होती है अगर हम एक सिंपल वर्ड में कहते हैं तो ये गुड रेपुटेशन होती है हमारी गुडविल। अच्छा, अकाउंट्स में गुडविल का क्या काम हो जाता है और वो हमारे लिए किस तरीके से प्रॉफिटेबल होती है, बात यहाँ पर आ जाती है। तो देखो, अगर एक्चुअल प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारी गुडविल की वजह से हुआ। गुडविल की वजह से हमको सुपर प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी है। मार्केट में गुडविल कब अच्छी होगी? जबकि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड होगा। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है गुडविल? गुडविल है एक इनटेंजिबल एसेट है, दिखती नहीं है लेकिन एसेट होती है। ठीक है, इसलिए ये एमोर्टाइज होती है, डेप्रिसिएट नहीं होती है। दूसरी चीज आ जाती है, हेल्प टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। अगर आप एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं तो गुडविल आपकी अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। और क्या होता है, ये सुपर प्रॉफिट हमको अर्न करा देती है। सुपर प्रॉफिट लिखा हो हमने एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, समझ गए। सुपर प्रॉफिट, जितना सोचा नहीं तो उससे कहीं ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब हमारी गुडविल बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, अच्छा, वो फैक्टर्स जो हमें गुडविल और ज़्यादा अर्न करा देते हैं क्या होते हैं? देखो, एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस किस तरीके का है ना, बिजनेस आपका कैसा है, किस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड कर जाता है। लोकेशन कैसा है, आपका सूटेबल लोकेशन है, नहीं कस्टमर वहाँ तक पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, है ना। आपने कहीं ऐसे जंगलों में जा करके अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है तो वो कस्टमर पहुँचेगा कैसे? लोकेशन ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आपने देखा हो ना, सेंटर जो मार्केट लिया जाता है हमेशा वो सिटी का सेंटर होता है, जहाँ पर लोग आराम से जा सकें। ठीक, मैनेजमेंट कैसा आपका, एफिशिएंट है या नहीं है, वो चीज़ों को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है नहीं कर पाता, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाता नहीं कर पाता। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है आपकी, ये मेन बात है। इन सबसे भी सबसे अच्छी बात होती है प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी द बेस्ट है तो इस लोकेशन पर भी पर्सन पहुंच सकता है, चाहे वो भले किसी भी नेचर का बिजनेस हो, वहाँ वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और मैनेजमेंट आपका कैसा भी हो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, टाइम लगेगा लेकिन वहाँ पहुँचेगा। ठीक है ना, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे एक बार नहीं दो बार नहीं कभी ना कभी तो आपको एक बार सुनने के बाद आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट हो ही हो जाएंगे। ये होता है प्रोडक्ट क्वालिटी। जैसे ब्रांड होता है ना, आप एक बार आपने अगर एक ब्रांडेड सामान को यूज़ किया आप समझ जाते हैं कि हाँ ब्रांड और एक लोकल में क्या अंतर होता है। ठीक है, बस उसके बाद मार्केट की सिचुएशन बताती है, भाई बूम पोजिशन पर चल रहा है मार्केट या रिसेशन की कंडीशन चल रही है, तो गुडविल उस हिसाब से सेट हो जाती है। तो मार्केट की सिचुएशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आ जाते हैं टाइप्स हैं गुडविल के, एक परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब हम किसी का हमने बिजनेस जमा जमाया बिजनेस हमने खरीद लिया उसके नाम के साथ, इसका मतलब उसके साथ साथ उसकी रेपुटेशन भी हमने परचेज कर ली तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री में कोई नहीं दे देगा हमको। ठीक है, वैल्यूएशन जैसे करते हैं आपको पता होगा, आपने हम एक एंट्री पास करते हैं जिसमें एसेट्स माइनस लाइबिलिटी आता है और जो बैलेंस होता है उसको हम गुडविल लिख देते हैं जो डेबिट साइड में आती है, समझ गए। बस तो वो इसका मतलब परचेज गुडविल है और ये आपको अपने अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो हमने अपने एफर्ट से कमाया है, हमने काम किया है उसके लिए, हमने मेहनत की है उसके लिए, तब जा करके आज हम उस कंडीशन पर
पहुंच गए हैं, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, ठीक है, एज पर 26 सेक्शन, ठीक है। जो ये गुडविल होती है वो एसेट नहीं होती है, इसलिए हम बुक्स में शो नहीं की जाती, क्योंकि हमने एफर्ट से अपनी वो कमाया है उसको, समझ गए। वैल्यूएशन और गुडविल के साइड चलते हैं हम, कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, आपके अकाउंट्स में क्यों किया जाता है भाई, क्यों जरूरत पड़ जाती है गुडविल को वैल्यूएशन करने की, करते हैं। एक तो जब पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है, फर्म डिजॉल्व हो रही है, पार्टनर की डेथ हो रही है, इन सब कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो वो हमारी गुडविल में से अपना हिस्सा लेगा ना, हमने कमाया, हमने अपनी फर्म को इस कंडीशन पे पहुंचाया कि वो आज इतनी बड़ी हो गई है और एक नया पार्टनर आकर के उसी वैल्यूएशन उसी गुडविल के साथ काम कर रहा है, तो हम फ्री में तो नहीं दे देंगे भाई उसको, ठीक है ना, उसके बदले का वो हमको पैसा देगा, तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। जाएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, या फिर डेथ हो जाती है तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, फर्म का एमलगमेशन हो जाएगा गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस कर रहे हैं हम पार्टनर्स, अगर रेशियोज में चेंजेस हर में होते हैं, अगर एडमिशन होगा तो भी चेंजेस होंगे, अगर जाएगा तो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, तो तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे कितनी तरीके से, नीड भी आ जाते हैं, है ना, एक एवरेज मेथड से करते हैं, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक कैपिटलाइजेशन मेथड से। एवरेज प्रॉफिट सिंपल, जितने सालों का प्रॉफिट होगा उस सालों के हिसाब से, उतने ईयर्स के हिसाब से हम गुडविल को का वैल्यूएशन कर देते हैं कि इतने इतने ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब गुडविल कितनी है फर्म की, एक एवरेज बेसिस पे निकाल देते हैं, है ना। सुपर प्रॉफिट, ये भी मैंने बताया, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो सोचा उससे कहीं ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, समझ गए। और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जहाँ पर हम कैपिटलाइज वैल्यू जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसमें निकालते हैं। एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ हम ट्रेडिंग के पर्पज से निकालेंगे बिजनेस के लिए, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड मतलब जो हमारे बिजनेस से जिसका कोई लेन देन नहीं, वो हमने बाकी किसी और काम के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा, उसका वैल्यूएशन भी मिल जाएगा आपको। जो क्वेश्चन आएगा आपके में वो इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको ये एक वन मार्क्स में कि ये एवरेज प्रॉफिट से इसका कैलकुलेशन कर दें, या फिर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से इसका कैलकुलेशन कर दें, ऐसा भी आ सकता है। फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं, वो डाइस ही पूछ सकते हैं, वैल्यूएशन गुडविल भी पूछ सकते हैं, है ना, वन मार्क्स में या थ्री मार्क्स में, ये तो चाहे जैसे आ सकता है। अगर इसका फॉर्मूला आ जाता है तो वो आपको न्यूमेरिकल में आपने सीखा ही होगा, तो आप उसको वहाँ पर उसको शो कर सकते हैं। बाकी गुडविल में इतना ही है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़, आप मुझसे जुड़ सकते हैं सीधे टेलीग्राम के थ्रू, जिसका रेफरेंस है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उससे मैं नई नई जितनी भी क्वेरीज है और उसमें अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, क्विज कराएंगे हम, उसमें क्वेश्चंस देंगे आपको, आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो जुड़ा रही मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।